कागजों पर उकेरा इतिहास नहीं कि बारिश से धुल जाए, लोगों के जहन में कब्जा किया है, मुश्किल है धुल जाए। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वॉचिंग कीरो क्लासेस। आज दिन है बुधवार, वेंसडे, और ये बुधवार अपनों ने फिक्स किया है, शेड्यूल किया है प्लस टू एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए। लास्ट वीडियो में अपनों ने स्टार्ट किया था इंसेक्ट कीट, और आज उसी का अपनों ने 3D वर्जन बनाया। इस वीडियो को रिपीट किया गया लेकिन 3D व्यू के अंदर, तो उम्मीद आपको पसंद आएगा, तो लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर मैंने कीट का एक 3D व्यू दे रखा है। इस 3D व्यू के अंदर आपको इसके तीन पार्ट क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि हेड होता है, उसके बाद थोरेक्स होता है, उसके बाद एब्डोमन होता है, सिर होता है, वक्ष होता है, और उसके बाद उदर वाला भाग होता है। और ये तीनों पार्ट जो हैं, तीनों जो इसके भाग हैं, वो टोटल 20 सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, या 20 खंडों से मिलकर बने होते हैं। ये देख सकते हैं आप, सिर, वक्ष और उदर। अब अगर अपने सिर की बात करें तो सिर के ऊपर एक जोड़ी एंटीनी, जिसको अपने श्रृंगिकाएं बोलते हैं, और एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, कंपाउंड आइज मिलते हैं, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, ये सिर के ऊपर लगे होते हैं। अब बात करते हैं थोरेक्स की, जिसको वक्ष बोला गया है, और वक्ष के ऊपर दो जोड़ी पंख लगे होते हैं, और वक्ष वाले भाग पर ही अपने को तीन जोड़ी टांगें दिखाई देती हैं एक इंसेक्ट में, ये अपने बात कर चुके हैं। उसके बाद एब्डोमन की बात आती है। एब्डोमन मतलब उधर, जो सबसे पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट है इंसेक्ट का, इसमें कितने खंड पाए जाते हैं? 11 खंड पाए जाते हैं उधर वाले भाग में। तो टोटल अपने को दिखाई देते हैं 20 सेगमेंट मिलकर एक इंसेक्ट की पूरी बॉडी तैयार करते हैं। और ये जो थोरेक्स वाला पार्ट है, इसी में दो जोड़ी पंख दिखाई देते हैं और तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है। आप देख सकते हैं आगे वाले पंख, जो कि मीजोथोरेक्स के ऊपर लगे होते हैं, या मध्यवक्ष जिसको बोलते हैं, वो पंख बड़े होते हैं किसकी तुलना में, पीछे वाले पंखों की तुलना में, जो कि लगे होते हैं मेटाथोरेक्स या पश्चवक्ष पर। ये एक इंसेक्ट की एनाटॉमी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं जीवन काल की, लाइफ साइकिल की। दो तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इस व्यू में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या पूर्ण कायांतरण दिखाया गया है, जिसमें चारों अवस्थाएं आती हैं। अपने पढ़ चुके हैं एक कीट के जीवन काल में चार अवस्थाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं, वयस्क यानी एडल्ट, उसके बाद एग या अंडा अवस्था, उसके बाद उसमें से निकलते हैं लार्वा या लट अवस्था, और उसके बाद में प्यूपा अवस्था या कोश अवस्था। तो ये चारों अवस्थाएं मिलकर जब एक कीट का जीवन चक्र तैयार करते हैं, लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो इस प्रकार के कायांतरण को, इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं पूर्ण कायांतरण। अब बात करते हैं अपूर्ण कायांतरण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में। जैसे ड्रैगन फ्लाई होता है, या आपका ग्रास होपर ले लो, उसके अंदर इन चारों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्थाएं, वयस्क अवस्था, अंडा अवस्था, लार्वा अवस्था और प्यूपा अवस्था में से कोई एक अवस्था मिसिंग होती है या नहीं पाई जाती, मुख्य रूप से वो अवस्था कौन सी होती है, कोश अवस्था या प्यूपा अवस्था होती है, वो नहीं पाई जाती। उसके बजाय जो अंडे होते हैं, अंडों से सीधे ही अर्भक निकलते हैं। अर्भक मतलब निम्फ, जिसको बोला गया। अर्भक या निम्फ क्या होते हैं? ये दिखने में अडल्ट की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनमें विंग्स नहीं पाए जाते, या विंग लेस होते हैं, इनमें पंख नहीं पाए जाते और आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो सीधे ही अंडों में से अर्भक निकलते हैं, जो दिखने में बिल्कुल वयस्क की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें पंख नहीं पाए जाते और उनकी बॉडी है उनके कंपेरिजन में काफ़ी छोटी होती। तो उनमें बार बार क्या चलता रहता है, इन्हीं अर्भक के अंदर, निम्फ के अंदर बार बार मोल्टिंग चलती है। मोल्टिंग मतलब त्वक पतन, जिसको हिंदी में कहते हैं। मोल्टिंग क्या होती है? इंसेक्ट में अंतकंकाल नहीं पाया जाता, इसको अपने एंडोस्केलेटन बोलते हैं, हड्डी नहीं पाई जाती, बाहर बाह्य कंकाल पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है। यही बाह्य कंकाल बार बार रिमूव होता है इंसेक्ट या निम्फ की बॉडी से, और नया बाह्य कंकाल या काइटिन की लेयर चढ़ती है। और इसी तरह से बार बार मोल्टिंग होते रहने से
जो नया अडल्ट है वो तैयार हो जाता है, निम्फ है वो अडल्ट में रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, उसके विंग्स निकल आते हैं, वो व्यस्क हो जाता है। तो ये था इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या अपूर्ण कायांतरण। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समेटता हूँ। ये 3D लेक्चर था आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। कल भी अपना एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेक्चर आएगा, तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।